हेलो यार, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है? आज मैंने अपने गेमिंग चैनल पे वो स्वेटर मैन वाली वीडियो अपलोड की है। स्वेटर मैन क्या होता है? खैर, तो आज मैंने स्पाइडर मैन वाली वीडियो अपलोड की है और मैं फिर से बैठ गया हूँ अगली वीडियो बनाने के लिए। ये देखो, अभी अगला दिन भी नहीं हुआ, रात के 11:58 हो रहे हैं। वो अलग बात है कि 2 मिनट बाद अगला दिन आ जाएगा, लेकिन यू गेट द आइडिया। मैं अभी तक सोया नहीं हूँ, मैंने रेस्ट नहीं किया। आप डेडिकेशन देख रहे हो, वो आएगी। कर दो लाइक वीडियो को। वीडियो तो आज मैं बना रहा हूँ, लेकिन इसको देख आप लोग एक दिन बाद ही पाओगे, क्योंकि ये वीडियो मैं एडवांस में बना के रख रहा हूँ, क्योंकि भाई ने जाना है कहीं। जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो उस वक्त भाई सिनेमा में मूवी चिल कर रहा होगा। खैर, उसका व्लॉग आ ही जाएगा, तो आप लोगों ने बस इंतजार फरमाना है। ओके, सो हम लोग आ चुके हैं रैन सिमुलेटर में। हैवी बर्फबारी होनी शुरू हो गई है, इधर भी इनकी नई अपडेट आई है और ये बहुत औसम है। ओके जी, तो बाहर चल लेते हैं। इधर आके रुक पता नहीं क्यों जाती है। खैर, तो बाहर चल। ओ बर्फबारी चेक करूं इधर। मैं कहता हूँ क्या बात है जी, मेरी मुर्गियां ठंड से मरगी होंगी। यार मुर्गियों मरना नहीं है आप लोगों की, मैं रोटी छोटी फुल कर देता हूँ इधर। और ये बाहर आ गया, तू बर्फबारी हो रही है, तू बाहर क्या लेने आ गई है? ये अंडे शंडे यस कराए हूँ मैं लोगों ने बाहर, मतलब कि इसका और भी मुर्गियां बाहर फिर रही हैं। हैं, अंडे ही अंडे बाहर आए फिर रहे हैं, ये हो क्या रहा है इधर? इसको मैं रखूँ इधर? और यार ये भैंसे इतनी सुकड़ क्यों गई है? देखना, मुझे तो कमजोर लग रही है ये भैंसे। लेकिन हाँ, मुझे ना समझ आ रही है, इस गेम की आई है अपडेट और उसमें काफी कुछ ऐड हुआ है। चूजा साहब बाहर फिर रहे हैं। चूजा साहब यार अंदर जाओ, अपना काम करें अंदर जाके आप। और ये चेक करो जी, ये और ये चेक कर लो जी, किधर भाग गया? इधर आ जाना। ये चेक करो, ये डियर की जगह इन लोगों ने 12 सिंगा ऐड कर दिया इधर। हाँ ये चेक करो, इसको इसको मैं खड़काऊं जरा। ये इसको गोली नहीं लग रही है, बुलेट प्रूफ 12 सिंगा। अब एक ही गोली से मर गया यार। 12 सिंगा साहब क्या कमाया जिंदगी में आपने? हैं, अच्छा इसमें से भी 3 ही मीट के पीस मिले, इसको बाद में हम लोग उठा लेते हैं। अच्छा आज ना मैं सो रहा था, आज हम लोग ना अपनी किसी और गाड़ी पे चिल करते हैं, एक दफा अपने पिग्स का भी हाल देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले उनकी मैं फूड भर देता हूँ। जहाँ से पिछली वीडियो में हम लोगों ने गेम खेलना छोड़ी थी, वहीं से कंटिन्यू हो रही है, मैंने उसके बाद जरा भी गेम नहीं खेली। ओके चेक करो जी, अंदर यहाँ बर्फ पड़ी है या लेंडे पड़े हैं? इधर अनलिमिटेड लेंडे पड़े हैं। खैर इनको साफ कर लेते हैं। यार अब चेक करो भाई, रैंच सिमुलेटर नॉट कमिंग स्लो भाई। ये लेंडे शेंडे मैं साफ कर लूं, उसके बाद हम लोग बाकी भी एक्सप्लोर करते हैं बाहर जाके कि उधर क्या बना है। ये इनको क्या हुआ फिर रहा? यार ये भी मरे पड़े हैं बेचारे यार। ओए होए होए, सो सैड यार। एक दफा हम लोगों से इनकी फूड मिस हुई थी और ये देखो हमारा कितना लॉस हो गया। ये वाला भी मरा पड़ा है, जो इधर मरे पड़े थे उनकी मैंने स्किन वगैरह तो काफी हद तक उतार ही दी है। ये मीट भी हम लोगों ने बेचना है, इसको भी जरा बेच देंगे। लेकिन फिलहाल तो यार मैं ना गेम को एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, और इसके साथ ही एक दो और चीजें भी ऐड हुई है गेम में, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। खैर तो थोड़ा सा बाहर चल लेते हैं, थोड़ा सा नहीं सारे जाएंगे, फिलहाल ये जाने तो दे मुझे। यहाँ से निकल जाते हैं जल्दी से बाहर। ओके तो हम लोग आ चुके हैं बाहर, और मेरे ख्याल में ना मैं अपनी ये वाली गाड़ियां लेके जाऊंगा। पेट्रोल चेक करो भाई, ने पेट्रोल फुल करा के रखा होता है हर गाड़ी का। और यार ये ना इतने सारे फूड के बैग इधर वैसे ही पड़े हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं इनका क्या करूं। चलो हम लोग ना ऐसा करते हैं कि रैन सिमुलेटर में थोड़ी बहुत गेड़ी मार के आते हैं। और पूरे मैप पे बर्फ ही बर्फ है भाई, हर तरफ बर्फबारी हो रही है। पहाड़ चेक करो कितना फिट लग रहा है बर्फ के साथ। ओए होए 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 होए, अखीर यार अखीर। लेकिन एक चीज है, ये देखो यहाँ मैं ऐसे भाग रहा हूँ तो मेरे पाओं के निशान पड़ रहे हैं, लेकिन गाड़ी चल रही है तो गाड़ी के टायरों के निशान नहीं पड़ते। इस चीज पे लोगों को थोड़ा सा काम करना चाहिए था। लेकिन यार ओवरऑल बहुत फिट यार। ये 12 सिंगा साहब यशी मारते फिर रहे हैं इधर। क्या बात है जी, क्या बात है यार, ये कुछ ज्यादा ही 12 सिंगे नहीं दिख रहे। और यार रोड चेक करो आप लोग, कितनी क्यूट रोड बना दी है इन्होंने, मुझे तो बहुत पसंद आ रही है ये अपडेट। आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ आप लोगों को ये अपडेट कैसी लग रही है। जब मुझे ना हल्की हल्की ठंड सी महसूस भी हो रही है जी देख के। ओहो चेक करो, ये फ्रूट्स फ्रूट लगाए हुए इन्होंने, क्रिसमस के हिसाब से लगाए हैं। ये थैला साहब इधर क्यों पड़े हैं? ये मेरा ही कोई थैला होगा, मैं इधर ही भूल छूल गया हूँ। यहाँ देखो क्या क्या चीजें नहीं आई हैं। अब सबसे पहले ये देखो कि यहाँ बीफ का अलग हो गई है और डेरी काउ अलग हो गई है। हम लोगों ने पहले खरीदी थी डेरी काउ। डेरी काउ का मतलब यह है कि ये दूध बहुत ज्यादा देती है लेकिन गोश्त नहीं देती, इसलिए तो हमारी वो भैंस उधर खड़ी बेचारी सुंगड़ गई हैं। और ये है जी बुल साहब, अब हम लोग इनकी ब्रीडिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन वो हम लोग जारी बात है, नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, कंटेंट ही कंटेंट होगा। तो ये सीन ऐड हुआ है। हाँ एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये मिल्किंग मशीन ऐड होगी। चेक करो कि मेरा हुक्म ये रैन सिमुलेटर कितना ज्यादा मानती है। मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि कोई यार इनका ना ऑटोमेटिक दूध निकालने वाला सिस्टम आ जाए, और इन लोगों ने मिल्किंग मशीन ऐड कर दी है। और यहाँ ये एयर टैग्स भी, मुझे इनका पता नहीं है लेकिन देखने से ये लग रहा है कि इनसे हम लोग भैंसों को रीनेम कर सकते हैं, तो मैं ये भी ले लेता हूँ। बाकी मोल्ड शोल्ड ये भी मुझे पता है, इसको हम लोग बाद में लेंगे। वैसे चेक
किया आपने पिछली बहस वाली वीडियो में, मैंने ये कहा था कि यार इन्होंने बुलशुल ऐड नहीं किए, उन्होंने दस्ती वो ऐड करनी है। यार मार्टर साहब से इतना डरते हो तुम लोग रैन सिमुलेटर वालों, बार बार झूठ बोलो। तो यहाँ से हम लोगों ने एक मिल्किंग मशीन ले ली है, लेकिन अब मार्टर साहब एक मशीन लेके जाएंगे, मुझे तो बुरा लगेगा ही, आप लोगों को भी बुरा लगना शुरू हो जाना ये चीज। तो हम लोग यहाँ से ऐसा करते हैं कि एक मिल्किंग मशीन और ऐड कर लेते हैं। हाँ, दूध निकालने वाली दो मशीनें हम लोगों ने ऐड कर ली हैं, एयर टैग्स भी ऐड कर ली हैं। यहाँ से चेकआउट कर लो, $1600 बिल बना था, लेकिन हु केयर्स, किसको फर्क पड़ता है। चलो जी, हमारा सौदा आ चुका है, हम जरा बाहर चलें। यार कितना बेस्ट मौसम हो गया यार, चेक करो यार, मुझे प्रॉपर फील आ रही है मजाक के अलावा। इसको इधर रखना कैसे है यार, ये क्या यार, गजब बेइज्जती है यार ये अब बताओ मक्खी परे हो। ओके, इसको इधर रखा, इधर आओ बेटा आप भी, इधर रखा। ओके, टू यूज मिल्किंग मशीन। ओके, सो सारा सौदा हम लोगों ने रख लिया अपनी गाड़ी पे। यार लेकिन आप मौसम चेक करो यार, कसम से दिल खुश कर दिया मेरा तो। मैं जरा अपना रैंच ना करूं, मैं जरा घूम फिर के आऊंगा, पहले हम लोग इस तरफ जाते हैं, थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, देखे तो सही रैंच सिमुलेटर में और क्या क्या चीजें ऐड हुई है। मुझे ना जरा वो बियर को देखना है कि इन लोगों ने बियर कैसा बनाया है, मुझे ना जरा बियर को ढूंढना है। यार आप लोग इस गाड़ी की स्पीड चेक करो। ओहो यार, ये हार्डवेयर स्टोर पे आ ही गए, एक दफा देख ही ना ले कि हार्डवेयर स्टोर में तो कोई चीज नई नहीं आई। मैं जरा देख के आया, ऐसे फोन दस्ती में देख के आ गया, हार्डवेयर स्टोर में तो कोई चीज ऐड नहीं की इन्होंने। क्रिसमस ट्री टॉयज, फायरवर्क्स, ओके, ये फुलझड़ियां वगैरह, फायरवर्क्स जो होते हैं, छुरियां पटाखे, ये ऐड कर दिए इन्होंने। ठीक है, मैं बड़ी गाड़ी लेके आऊंगा, उसके बाद मैं सारे लेके जाऊंगा। अच्छा, तो खैर हम लोग जा रहे थे किसी बियर को ढूंढने, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि उस बियर को इन लोगों ने कैसा चेंज किया है। ठीक है, हल्की सी ऑफ रोडिंग कर लेते हैं, इतनी बड़ी गाड़ी के साथ भी अगर हम लोग ऑफ रोडिंग ना कर सके तो क्या कमाया हमने जिंदगी में। यार बियर दिखाओ यार मुझे, कहीं ना कहीं तो दिखा दो बियर। वो जब गरीबी के दौर में मार्टर साहब शिकार खेलते थे तो यहीं से मिल जाते थे मुझे, लेकिन अब इधर नहीं है कोई भी। मुझे लग रहा है, मैंने वाकई नहीं देखा अभी तक, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने ना बियर्स को पोलर बियर बना दिया होगा, और अगर उस तरह बना दिया होगा ना, बड़ा मजेदार सीन हो है ना वैसे। ओके ओके, वो एक बियर फिर रहा है। ओ यार ये तो वैसा ही है यार। हेलो बियर, बियर जी, टक्कर मार सकते हैं बियर में। दरख्त आ गया जी अंदर। खैर चलो छोड़ देते हैं, जिंदगी जीने देते हैं, बियर को हमें मार के फायदा भी क्या होना है हमें। हम लोग चलते हैं अपने मास्टर रैंच की तरफ वापस, सड़कों सड़की काम करना है, सीधा सीधा जाएंगे। यार मैं तो ऐसे इस गाड़ी की स्पीड से फुली इंप्रेस्ड हूँ, और ऊपर से मेरी ड्राइवरी का तो आप लोगों को पता ही है फिर। वो अब मोड़ इन्होंने ऐसा रख दिया है, मैं क्या करूं, ये बेईमानी करते हैं मार्टर साहब के साथ, ये ना जान जान के ऐसे करते हैं मेरे साथ। ये चेक करो, अब देखना मेरी ड्राइवरी है। ओके, तो बस हम लोग अपने रेंज पे पहुंच ही रहे हैं, वहां जाके मैंने ये मशीन वगैरह भी सेटअप करनी है। चलो ये आगे, फाइनली हम लोग अपने रेंच पे, हल्की हल्की बर्फ पड़ रही है। मैं जरा मुर्गियों चूजों का हिसाब लगा लूं। यार ये बकेट से ना चूजे निकलने थे बड़े ज्यादा ही। ये चेक करो, मैंने सही मार्टर के लिए अपना लिया, सारे अंडे भर के इधर ही रख दो। अब क्योंकि फर्टिलाइजर भी उसमें आ चुके होंगे, तो ऐसा करो कि उसको यहीं पड़ा रहने दो 2-4 दिन। अब अंडे क्योंकि फर्टिलाइजर है तो वो अंडे टूटेंगे, उनसे चूजे बाहर आएंगे, लेकिन क्योंकि ये बकेट स्कूप में पड़ी है तो मसला ही नहीं होगा, वो चूजे भी फिर इधर ही फिरने लग जाएंगे। और अभी भी बहुत ज्यादा अंडे हो गए यार, मैं अभी इकट्ठे नहीं कर रहा, ये अंडे मैं बाद में इकट्ठे करूंगा। फिलहाल इनकी फूड का देख लें यार, फूड का बड़ा खास ख्याल रखना, क्योंकि एक ही दफा मिस हुई थी वो पिग्स वाली फूड। ये लो जी, क्या करे बंदा, पिग्स साहब बाहर फिर रहे हैं। और यार कोई दरवाजा तो नहीं खुला रह गया। यार ऐसा करता हूँ कि इस पिग को ना मैं फिलहाल यहाँ छोड़ता हूँ, अभी कुछ देर बाद जब सारे पिग्स सो चुके होंगे ना, तब मैं इसको अंदर जाके बिठा दूंगा। ये बाहर आया कैसे है मुझे ये समझ नहीं आ रही। अच्छा खैर, यहाँ से ये सामान तो निकाल लें जरा सबसे पहले। इसको मैं अगर इधर रखूँ तो इस पे चढ़ सकता हूँ मैं। ओके 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 ओके, एयर टैग सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं देखूँ तो सही कि इसको यूज करना कैसे है। ओके नाइस, ये एयर टैग पकड़े किसी भी जानवर के पास आना और वो कहेगा प्रेस ई टू नेम एनिमल। नाइस, हम लोग इनको नाम दे सकते हैं। ओके, थोड़ा सा दिन होले फिर नाम देंगे इनको। और यहाँ से बाकी सामान भी मैं उठाऊं, इसको मैं इधर रख दूं, इसको भी मैं रखूं इधर। अभी कुछ देर बाद मैं आता हूँ, पहले ना यार मैं वो वाले पिक का हिसाब लगा लूं कोई, अभी देख लूं ये सोए हैं अभी के नहीं, अभी जागते ही फिर रहे हैं। यार सो जाओ, तुम्हें नींद नहीं आती, जब तक ये सो नहीं जाते मैं ये गाड़ियां थोड़ी बहुत सीधी करके लगा लूं। देखते हैं अगर वो पिग सो गए हैं, नहीं अभी जाग ही रहे हैं। कैसे पता लगा मुझे, क्योंकि ये वाला पिग जाग रहा है तो जहरी बात है वो वाले पिग्स भी जाग रहे होंगे। मास्टर हु कैसा फिर देख लो, कहा था ना मैंने, हाँ सो गए। चलो जी पिग आप उठो ना, आप क्यों सो गए हो, इधर आओ, आजो बेटा आजो, आपको बाकियों के पास रखूं मैं। ये किधर, ओ फिसलता बाहर चला गया है वो। वाह जी वाह, अखे जी पिग को अंदर करना है, बड़ा मजा आएगा गेम का। ओ यार एक और जाने लगा है।
असल में यार मसला ये भी नहीं है, मसला ये है कि यार वो पिग्स इतने ज्यादा हो चुके हैं अब कि गेम को समझ नहीं आती कि क्या करना चाहिए। अभी देखो, अब मैं खुद बाहर नहीं जा पा रहा, अपने बार्न हाउस में ये हाल है कि बंदा बाहर नहीं जा पा रहा। बेड पे हो लेने तो थोड़ा सा तो बाहर जाने तो मुझे इन लोगों ने बाहर चले जाना है, बाहर चला गया, मुझे निकलने नहीं दे रहे यार। हाँ, यहाँ से निकलूंगा मैं। यार ये क्यों नहीं निकलने दे रहा मुझे, मैंने इसको मार देना, मैंने मार देना इसको। चल अब तो निकलने, शराफत की जुबान तो मास्टर साहब के लोगों को समझ आती नहीं। ये देख लो जी, इसका हिसाब लगा लो, इधर आ, इधर ठंड में किधर भागा जा रहा है तू, आ जा। मैंने गोली चलाई, सारी पिक उठ के खड़े हो गए हैं यार, ये क्या सैड सीन हुआ है यार। आई एम सॉरी, जो पिक बाहर आ गए वो खत्म हो गए, एक पिक ये भी फिर रहा है, इसको भी, इसकी भी मौत का टाइम आ चुका है। चलो जी, ये भी क्या गर्मी हो रही है यार। अच्छी खासी ठंड लग रही थी जब मैंने वीडियो बनानी शुरू की। ओके सो बॉयज, हम लोग उठ चुके हैं, गुड मॉर्निंग। ओके सो ये सारी मेरी गायें बेचारी आ गई हैं यार, बेचारी सारी कमजोर सी हो गई हैं, इनको देख के मुझे दुख हो रहा है, लेकिन मैं समझ गया हूँ सारी साइंस। ओके तो वैसा कर लेते हैं कि ओहो ठीक है, पहले यहाँ रख दी, इसके अंदर मेरे ख्याल में ना हम लोगों ने रखना होता है केन। ओके नाइस, और अब क्या करना है? ओके ओके ओके, ये टुनटुना निकाल के इधर लगाना है। कितना दूध देती है एक भैंस, मुझे अच्छी तरह याद है पहले 7 लीटर दूध देती थी, लेकिन अभी इस अपडेट के बाद एक भैंस 14 लीटर दूध देती है, डबल कर दिया इन लोगों ने दूध। इस पे लगाऊं? मैं कहता हूँ मौजे हो गई भाई। इधर आओ भैंस जी। चलो जी, मेरे ख्याल में मेरी केन ही फुल हो गई है, उसका दूध खत्म हो गया है, केन फुल हो गई है। 14 लीटर दूध अगर एक भैंस दे रही है तो 42 लीटर कितना होगा, यानी कि 3 भैंसों के दूध से एक ये पूरी केन फुल हो जाएगी। ठीक है, ये केन मैं लाके रखूं यहाँ, और इस केन को रखूं मैं यहाँ। अब मुझे भूल गया कि दूध देना किसने था, इसने दे दिया, व्हाइट वाली ने दे दिया था। अब वो जो दोनों एक जैसी है ना, उनमें से किसी ने धांधली की है अपने साथ, ये देखो ये छुपी खड़ी है। तो ये वाली केन भी फुल हो चुकी है। अच्छा अब ना मेरे जहन में एक सेटअप तो आ रहा है को लेके, वो मैं करूंगा तो जरूर, लेकिन अभी नहीं। फिलहाल के लिए ये है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग ये दूध बेचने चलते हैं, इसी गाड़ी पे चल लेते हैं। ये भी आ जाए। ओ ये फीडर खाली था, लेकिन फायदा जो हुआ है हमें वो ये है कि वो वाला जो फीडर था उस तरफ लगा हुआ, ये इनके कंटेनर्स भी उसकी रेंज में आ रहे हैं, तो इसलिए ये फुल थे, वरना इन भैंसों ने भी फारग हो जाना था। अभी मैंने ये वाले भी सारे फूड कंटेनर्स बनाने हैं, इनके लिए मैं प्लैंक्स खरीद के ही आऊंगा। यार मेरे जहन में ना एक आइडिया आ रहा है, अब देखो हमारे पास है 4 भैंसें, अगर हम 4 ये मशीनें ले आए और एक भैंस के नीचे ये मशीन परमानेंटली लगा दें, तो हुआ ये करेगा कि जब इसका दूध देने का टाइम आएगा तो वो मशीन दूध निकाल के ऑटोमेटिकली उस केन को फिल कर देगी, और मुझे करना ये होगा कि मुझे सिर्फ आना होगा और वो केन को लेके चले जाया करना है। मैंने अब सिर्फ एक चीज है कि ये टुनटुना लगा के एक भैंस खाना खाती है नहीं, वो चीज का पता नहीं। अगर खाना खाती है ठीक है, हम लोग हर भैंस को एक एक कंटेनर के सामने खड़ा कर देंगे और चिल सीन हो जाएगा सबका। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ बेस्ट बर्गर पे ये दूध बेचने, उसके बाद जाना है हम लोगों ने वुडन स्टोर पे, वहां मुझे काम है, आप लोगों को भी पता चल ही जाएगा कि क्या काम है। एक मिनट, फिलहाल हम लोग ये दूध बेचने, लेट्स सी कोई डील शील लगी हुई है इस पे कि नहीं। और कोई डील नहीं लगी हुई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, $252 का बिक गया दूध। यार हम लोग इससे ना काफी सारी चीजें भी बना सकते हैं इस दूध से। मास्टर रेंज पे वापस जाने की हमें जरूरत कोई खास है नहीं। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये केन्स को ना यहाँ रख सकते हैं। हाँ मैं सोच रहा था कि मैं वापस जाऊँ ये केनों को वहां रख के आऊँ, उसके बाद मैं फिर हार्डवेयर स्टोर पे जाऊँ, क्योंकि वहां से मैंने कोई सामान खरीदना है, लेकिन क्योंकि मेरी मास्टर रेंज जाग गई और मैंने ये केन्स को अपने ऊपर रख लिया, तो हमें हमारे रेंज पे वापस जाने की जरूरत नहीं है। ओ भाई, यहाँ से हम लोग खरीदने वाले हैं काफी सारे वुडन प्लैंक्स, खरीद ही जाने मैंने, नहीं इतने आएंगे ही नहीं उसमें, 20 खरीद लिए हैं, देख लेते हैं कि हमारी अब गाड़ी में इतने आ भी जाएंगे कि नहीं। उम्मीद तो मैं यही कर रहा हूँ कि आ जाएं। 1 2 3 4 आ जा, मैक्स लिमिट 4 है मेरे ख्याल में, मेरे ख्याल ओ ए, ए आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ गया आ गया ए ए ए चार चार करके मैं रख लेता हूँ इनको, ये 16 आ जाएंगे, 4 फिर से मिस हो जाएंगे यार। अगर 5-5 रख सकता होता तो ये सारे प्लैंक्स भाई एक ही दफा ले जा सकता था, लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज तो है नहीं। मैं यहाँ देखूँ तो सही, किसी तरह चढ़ चुड़ के नहीं यार, किसी भी तरह नहीं आ पा रहे ये, मैंने बड़ी कोशिश कर ली है लेकिन ये नहीं आ रहे। खैर कोई बात नहीं, ये हार्डवेयर स्टोर पे बाद में दोबारा आ जाएंगे हम लोग। लेकिन यार एक बात तो मानने वाली है कि ये जो अपडेट आई है ना रैम सिमुलेटर की,
बहुत ओपी है। अच्छा आप लोग ना मुझे खसूसी इस गाड़ी के कलर के बारे में बताओ कि हम लोगों को इस गाड़ी का कलर चेंज करना चाहिए या नहीं। मैं खुद तो इसका कलर चेंज नहीं करना चाहता क्योंकि ब्लैक ना काफी क्लासी सा लगता है और थोड़ी वो ब्लैक विगो वाली फीलिंग भी आती है। जो हमारे साथ गलत करेगा हम ये गाड़ी लेके पहुंचेंगे उसके पास, वो तो डर जाएगा पूरा। तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। तो लगाना शुरू करते हैं इनको। ओके ये जो गोबर की प्लेटें इन्होंने निकाली हुई है ना यार, क्या किस हिसाब का गोबर है ये। बाय द वे अभी तक ये गेम अर्ली एक्सेस में, अभी तक ये गेम पूरी तरह रिलीज भी नहीं हुई। हिसाब लगा लो रैन सिमुलेटर वालों का। हाँ एक इनका ये वाटर बाउल मैंने यहाँ भी बनाना था, वो उस दिन बन नहीं पा रहा था और वो आज भी नहीं बन पा रहा। हल्का सा तो बनने की कोशिश तो कर रहा है। अच्छा तो इधर बना देते हैं यार, ठीक है नाइस। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया लेकिन यार चलो कोई बात नहीं यार। ये वाली मशीन भी जरा मैं सेट करूं इधर। अच्छा चलो तजर्बा कर लेते हैं। अभी उनका दूध देने का टाइम हुआ नहीं है। मैं ये देख लूं कि अगर इधर मैं लगा के ही इनको खड़ा कर ही रखूं, अगर वो मैं उसको उतारूं ना, तो क्या ये ऑटोमेटिक दूध वाला सिस्टम शुरू होगा या नहीं, कि जब भी इनका दूध देने का टाइम हो ये खुद ही भरने शुरू हो जाए। लेकिन एक मसला है कि देखो ये अपनी ना मूवमेंट रोक देते हैं जब मैं इनके टुंटना सा लगा देता हूं। तब उससे ये है कि ये ना हो ये खाना पीना भी छोड़ दें, और खाना पीना छोड़ देंगे तो इन्होंने तुर जाना है। वो वाला सिस्टम हमें चाहिए नहीं है, लॉस तो लेना ही नहीं है। खैर इसको हम लोग इधर ही छोड़ते हैं ऐसे ही, आगे देख लेंगे कि क्या सिचुएशन है। पहले ऐसा करते हैं ये जो मीट के बॉक्सेस इधर पड़े हैं ना सारे, इनके अंदर हम लोग ये मीट वगैरह भर लेते हैं सारा, क्योंकि यार बहुत ज्यादा गंद हो रहा है। गंद नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा पैसा हो रहा है, संभाला ही नहीं जा रहा पैसा, इतना आ गया मैं क्या करूं। बड़ा अजीब सा सीन हो गया यार, ये रैन सिमुलेटर में ना पिग्स वाला कुछ ज्यादा ही पिग्स हो गए हैं मेरे ख्याल में ना, मुझे इनको मारना ही पड़ना है। ओ ओ ओ उड़ता ही है, इसका हिसाब लगा लो। अब आप लोग कहोगे कि इससे क्या मीट निकलना, मुझे भी पता है एक पीस भी नहीं निकलना इससे पूरा ले। लेकिन अब मैं क्या करता, डब्बे उठाओ यहाँ से जो बाकी मीट पर है वो भरो। वैसे एक काम ये हो सकता है किसी दिन ना टाइम निकाल के सारे ये जो बड़े बड़े पिग्स है ना इनको सबको मैं खड़का दूं और छोटे बच्चे जो भी है उनको रहने दूं। इससे ये होगा कि इनका रश भी कम हो जाएगा, हमारे पास पैसे भी काफी सारे बन जाएंगे और पिग्स भी बाद में अल्टीमेट आ ही जाएंगे जब छोटों ने बड़े हो जाना है। फिलहाल ना मैं जाके अपनी वो भैंस के हालात देख के आता हूँ कि उसके क्या हालात है। यार रिस्क तो लेना ही पड़ना है, एक भैंस के साथ मर ना गई हो बस। नहीं अभी तक नहीं भरा, उतार के अब लगा के देखो। ये देखो यार वो नहीं, वो ऑटोमेटिक वाला सिस्टम नहीं होता। ये देखो मैंने लगा के रखा हुआ है, नहीं भर रहा। अभी उतारा दोबारा लगाया, भरने लगेगा अभी, चल लग। ये देखो हाँ, तो हमारा प्लान शुरू होने से पहले खत्म हो चुका है माशाल्लाह से। आ जाओ जी इधर। चलो जी हमने सारी भैंसों के दूध निकाल लिए हैं। ओके जी वेरी नाइस। और ये नेम टैग्स लगाते हैं यार, इनको रीनेम तो करें। अच्छा तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इनको नाम दूं काओ वन काओ टू करके, लेकिन अगर आप लोग कोई क्रिएटिव सा नाम दे सकते हो तो नीचे कमेंट्स में सजेस्ट कर दो, हम लोग इनके नाम चेंज कर देंगे। मैं इसको नाम दूंगा भैंस वन। ओके 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 ये इसके ऊपर लिखा आ गया भैंस वन, नाइस। भैंस टू, थ्री, भैंस फोर। चलो जी चार भैंसों को हम लोगों ने नाम दे दिए हैं। ये नेम टैग को मैं फिलहाल इधर रख रहा हूँ। जान दो, ओ जान दो, मैंने अंदर जान दो, नहीं जान दे भाई ये, जान दो, नहीं जान दे, जान दो, नहीं जान दे, अंदर नहीं जाने दे रहे भाई मुझे ये। इसे क्या हो गया अब यार, इसे तो मैंने कुछ भी नहीं किया। ये भी मरा पड़ा है, एक ये भी मरा पड़ा है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, अब तो मैंने इन्हें मारा ही नहीं। ओके इनकी फूड तो खत्म नहीं होगी, मैंने अभी तो भरी थी फूड। तू तेरी किधर भाग के जा रहा है, किधर भाग के जा रहा है तू, तुझे भागने की जल्दी है ना, तुझे मैं भगा ही देता हूँ, इस दुनिया से भगा देता हूँ तुझे मैं। चल भाग जा इस दुनिया से, अब खुश है। हाँ सुकून से उधर लम्मा हो गया जाके, खुश है। मास्टर साहब का दिमाग खराब करते हैं यार। ये देखो रोटी तो है इनकी, फिर वो क्यों मर रहे हैं। मेरे ख्याल में ना उसका ये भी एक फैक्टर है कि उनकी उम्र पूरी हो जाती है तो वो उस वजह से ठंडे हो जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो मरा था ना वो कोई इतना बड़ा पिग नहीं था, वो छोटे वाला पिग था। ओके जी यहाँ से उठाया जाए गोश्त। ये खड़ा खड़ा सो गया, वाह खड़ा खड़ा ही सो गया ये वाला पिग। अभी तो बहुत मीट पड़ा है यार, इधर बहुत ज्यादा मीट पड़ा है अभी। अब ये गिरा है, इसको अब गिरना याद आया, लगता है ये भी सैमसंग का फोन है, फुल हैंग। चलो यार ऐसा करते हैं कि रात तो हो गई काफी ज्यादा और ठंड भी है, देखो ये बर्फबारी हो रही है, तो हम लोग जाके सोते हैं। यार ये बिजली क्यों नहीं है मेरे घर में, कैसा फिर बिजली ऑन कर दी ना भाई ने। ये इधर भी सारी सारी लाइटें ऑन कर देनी है मैंने, और किधर है बल्ब। इनका काम है बस अब इन्होंने चलते ही राह करना है। ओके तो मैंने तकरीबन अपने घर की हर लाइट जला दी है। ओके तो मैंने सारी लाइटें जला दी और ये अब हमेशा जलती रहेंगी। लेकिन ये वो चीज है जो मैं कहूंगा कि डोंट ट्राई दिस एट होम, नहीं तो भाई अम्मा मारती है मैं बता रहा हूँ। ओके तो हम लोग सो लेते हैं, गुड नाइट फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब वक्त आ चुका है कि हम लोग सबसे पहले अपनी भैंसों का, ये इधर रास्ते में ही सोई पड़ी है बेचारी, फुल ही बेबसी के आलम में। इधर आओ जी, दूध दो। कौन सी है जी? भैंस 2 का दूध निकाल लिया, भैंस 2 और 4 का निकाल लिया। हाँ, अब काम इजी हो गया वैसे काफी हद तक, नंबरों के लिहाज से पता दूध निकालता रहे हर किसी का। फिलहाल मेरे पास कैपेसिटी नहीं है और मैं केन्स वगैरह भी आज खरीद के लाऊंगा वापसी पे। लेकिन ना यार, ये फुल ऑटोमेटिक काम नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा ऑटोमेटिक हो गया कि मुझे वो पहले की तरह नहीं निकालना पड़ता दूध, लेकिन स्टिल यार वो चीज नहीं है। कम से कम मुझे वो टुनटुना तो लगाना ही पड़ता ना जाके, उसका भी कोई अगर जुगाड़ लग जाता ना फिर सीन ऑन था। यार ये काफी तेज हवा चल रही है, मजाक के अलावा मुझे ठंड महसूस होना शुरू हो गई है। यार वैसे एक बात तो है कि भाई ने ये वाली जो मार्टनेस दिखा दी है ना, कि डब्बों की अब टेंशन ही नहीं होती। पूरी ये ब्लैक गाड़ी के हिसाब से भाई ने डब्बे खरीद लिए थे, अब कभी मुझे मसला ही नहीं हुआ ये देखने में कि यार ये फिट होंगे या नहीं। जितने डब्बे हैं सारे के सारे भरो गाड़ी में, एक दफा लद लो और ले जाओ इनको। चलो जी, तो सारे डब्बे यहाँ रख लिए हैं, अब चलते हैं हम लोग बेस्ट बर्गर पे सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास दूध भी और ये पोर्क भी काफी ज्यादा है अपने पास। लो जी, गाड़ी भी हवाओं में उड़ती फिर रही है। अच्छा वैसे मेरे हिसाब से ना, जो ये गाड़ी है ना, ये गाड़ी रैन सिमुलेटर की सबसे ज्यादा पावरफुल गाड़ी है। लेट्स होप यार कि कोई अच्छी सी डील चल रही हो। यार ये कर लो पहले, खैर कोई अच्छी सी डील चल रही हो, कम से कम एक चीज पे तो चल रही हो यार, या मिल्क पे चल जाए चलो, या फिर ये पोर्क पे चल जाए। लेट्स सी के क्या बनता है। पोर्क पे पोर्क पे 2 की डील चल रही है, और ये हमारी मेन डील थी, हमें मेन चीज चाहिए भी यही थी। ये क्या, मैं भाग के आ रहा हूँ तो ये मेरे पैरों से फुलझड़ियां निकल रही हैं। अब ये जो कुछ ज्यादा इन लोगों ने बर्फ का काम उठा दिया है, पर तू इधर टी शर्ट पहन के खड़े तो ये ठंड नहीं लगती। खैर तो देख लेते हैं कि हमारा ये $13,000 $112,000 हो चुके हैं अपने पास। अब चल लेते हैं सीधा हम लोग जनरल स्टोर पे, क्योंकि अपन को इधर से एक हल्का सा काम है। अच्छा यार, मैं ना एक और चीज सोच रहा हूँ कि अब जैसे आप लोगों को पता लग ही गया कि दूध देने वाली गाय अलग हो गई है और गोश्त देने वाली गाय अलग हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं दोनों किस्म की गाय को पालूं। लेकिन उसके लिए मुझे आप लोग ये बताओ कि मैं अलग-अलग बार्न हाउस बनाऊं या एक ही बार्न हाउस में दोनों रख लूं। मेरे ख्याल में अलग-अलग बेहतर रह जाएगा, एक में हम ये दूध वाला मंजन सारा कर लेंगे और एक में हम लोग वो कूलर्स वगैरह रख लिया करेंगे। बहरहाल इसको मैंने क्यों उठाया है वो मुझे भी नहीं पता। इसको रखो इधर, और यहाँ हम लोगों के आने की वजह जो है वो है कि हम लोगों ने यहाँ से मिल्क कैन खरीदने 2 और। वाह जी वाह, एक इधर ही रख दिया इन लोगों ने, क्या बात है, बड़ी मदद कर दी वैसे मेरी, है ना। और एक वो देख लो कहाँ चढ़ा के रख दिया। चलो जी नाइस, वैसे यार ये परफेक्ट सीन हो गया। देखो 4 मिल्क के कैन आ जाते हैं इस गाड़ी पे और ये आ जाता है, लेकिन इससे भी अच्छा अपने पास ट्रक है तो सही वैसे। ओहो, बाहर किधर आ गई है, मैं कहता हूँ मुझे खुद नहीं पता मैं किस तरफ से जा रहा हूँ अपने रेंज पे। ये देख लो यहाँ आ गया, उधर जाके लगी बेचारी बड़े बुरे तरीके से। केन हम लोग सारी निकाल लेते हैं, बाहर जाने की क्या इन लोगों को वो है। चलो ये दूध भर जाएगा, तब तक हम लोग बाकी की केन ला के रख लेते हैं। इधर एक केन में लगा दूं, इधर एक केन में लगा दूं, वैसे इधर रख दूं, और ये केन रख के मैं अंदर कुंडी लगाऊं। भागने की गई थी इस भैंस ने मास्टर साहब के सामने से। खैर तो बस फिर मेरे ख्याल में यही था आज के लिए, हम लोगों ने बहुत काम किया आज, और आज वैसे मजा भी बहुत आया है। आप लोग कमेंट्स में बताओ कि आप लोगों को कैसी लगी है गेम। अभी और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है, अभी वो फायरवर्क्स वगैरह वाला सिस्टम करना है, उसके बाद ये भैंसों वाला काम भी अपग्रेड करना है। जो जो चीजें मैंने आपको कही है वो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में जरूर बतानी है, क्योंकि अगली वीडियो इन्हीं बारे में होने वाली है। तो बाकी फिलहाल आज के लिए यही था, उम्मीद करता हूँ लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो बस फिर वीडियो को कर दो लाइक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो भाई का चैनल चलेगा ना। और जैसे ही सब्सक्राइब किया, ये सब्सक्राइब का बटन दबाया, साथ ही बेल का घंटा होगा, वो घंटा भी खड़का देना आप लोगों ने। और अगर वीडियो देखकर जिंदगी में सुकून आया तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि सुकून लेने का हक हर बंदे का। तो बस चलता हूं मैं, तब तक के लिए बाय।